हरियाणा के सोनीपत में 7 लाख की सुपारी देखकर अपने पिता की हत्या का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। बादशाहपुर मछली के राजेंद्र 18 नवंबर को गायब हुए थे और बेटे ने अज्ञात पर बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया था। CIA पुलिस एक अन्य मामले में गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ कर रही थी तो उसने राजेंद्र की हत्या करके शव गंगा नहर UP में फेंकने की बात कबूली। बताया गया कि गांव बादशाहपुर मछली के रहने वाले राजेंद्र 18 नवंबर को रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे। इसके बाद हर तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने इन पर 2 दिसंबर को थाना मुहाना में उसके बेटे मोहित की शिकायत पर पिता की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था। उसने दावा किया कि उसके पिता को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बंधक बनाया हुआ है। सोनीपत के गांव जाजी के रहने वाले संजय कुमार पर 27 दिसंबर 2021 को जानलेवा हमले करने के आरोप में CIA की टीम ने गांव जाजी के सचिन और चीना और उसके साथी गुमड़ के मनदीप को गिरफ्तार किया था। इन पर भाई सुरेंद्र की हत्या में गवाह संजय की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। CIA ने दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। उन्होंने खुलासा किया कि गांव बादशाहपुर मछली के राजेंद्र की हत्या कर चुके हैं। CIA की पूछताछ में सचिन उर्फ चीना और मनदीप ने कबूला कि बुजुर्ग राजेंद्र की हत्या करके उन्होंने शव को गंग नहर UP में फेंक दिया। उसके बेटे मोहित ने पिता की हत्या का सौदा उनसे 7 लाख रुपए में किया था। इसके लिए 3 लाख रुपए एडवांस में दिए थे, बाकी 4 लाख रुपए काम होने के बाद देने थे। मोहित ने पारिवारिक कला के चलते पिता की हत्या कराई है। पुलिस ने इसकी बात राजेंद्र के छोटे बेटे मोहित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि चीमा और मनदीप ने 18 नवंबर 2021 को गांव जाजी के अड्डे से कार में राजेंद्र का अपहरण कर लिया था। वहां से वो उन्हें लेकर बड़सवानी के पास पहुंचे और परना से गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में शव को कार में डालकर उत्तराखंड में रुड़की के पास गंग नहर पर ले गए। वहां शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए गंग नहर में फेंक दिया था। मोहित ने बाप की हत्या के लिए चीमा और मनदीप को एडवांस में 3 लाख रुपए दिए थे। दोनों ने इससे पुरानी होंडा सिटी कार खरीदी थी। 18 नवंबर को जाजी के अड्डे से इसी होंडा सिटी कार में राजेंद्र को अपहरण करके हत्या कर दी गई। कार से शव को लेकर गंगनहर पहुंचे थे। पुलिस ने कार के साथ गला दबाने प्रयुक्त परना और सुपारी के लिए रुपए में से बचे 30,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने दोनों के साथ मोहित को गिरफ्तार किया है।